एक मिनट, वो मोती की माला लगी है जरा। तुम्हारा काम खत्म नहीं होता कभी यार। लाते हैं। जल्दी लाइए ना आप, बस। इसका क्या करोगे तुम? उठाओ हमें पहले, उठाओ। आराम से। हाँ, लीजिए। ये क्या कर रहे हो? कमर का नाप रहे हो बे? कमर नहीं, कमर बंद। कमर बंद? पूरे 200 मोती की। इतने कंफ्यूज क्या हो रहे हो पतिदेव? ये सासू माँ का ही तो नियम है। कैसा नियम बे? गर्भवती बहू को उसके गोद भराई के दिन जितना बड़ा पेट उतना बड़ा कमरबंद मिलता है, और हमारे तो दो दो लल्ला है जी। हम बड़ा कमरबंद आराम से, हमारा रानी आराम से कर दो लल्ला और मचा दो पूरी हवेली में हल्ला मल्ला। अभी बैठो। हाँ। आओ बहुत दिनों से इस मूर्ति को बना रही थी, आज पूरी हो गई तो सोचा कि इसकी पूजा करवा दूं, फिर घर जाकर इसकी स्थापना कर दूंगी। बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है आपने, लेकिन अभी ये अधूरी है। अधूरी? हाँ, माँ संकटा मैया की तीसरी नेत्र नहीं बनाई। माँ की विशेष शक्ति तीसरी आँख में ही है। ये तीसरी नेत्री है जो माँ को देखने सुनने और परखने की शक्ति देती है, जो और किसी में नहीं है। जी पंडित जी, मैं अभी बना देती हूँ। कूदो ना कूदो फलो, आज तुम्हारी गोद भराई है। ये सोने की असली तार वाली बनारसी साड़ी और ये खानदानी सेवर हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, आज इन्हें ही पहनना। जी सासू माँ। कुछ चाहिए? हाँ सासू माँ, आपका आशीर्वाद। लोग बात ना करें ना, बस इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे हस्बैंड जी कह रहे थे कि मंजली भाभी की गोद भराई में ना उन्हें 50 साड़ियां और ढेर सारे गहने मिले थे। उन्होंने तो सिर्फ एक ही पोता दिया है, हम तो दो दो पोते देने वाले हैं ना, तो उस हिसाब से तो हमें दुगुनी साड़ियां, मतलब 100 साड़ियां और एक सोने का कमरबंद भी और ढेर सारे गहने भी मिलने चाहिए ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बट पर वो लोग ऐसा ना सोचे कि आपने छोटी बहू को छोटा जता दिया, तो बस इसीलिए आए। ठीक है, जैसा पेट वैसी पेट। सच्ची? चलो दे दिए आपको 100 साड़ी और दुगने गहने। कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, बाहर का तापमान क्या होगा? होगा 40-45। फिर तो बहुत बड़ी समस्या होगी आपके लिए। कैसी समस्या सासुमा? वो आपके हस्बैंड जी, शायद वो आपको ये बताना भूल गए कि हमने मंजली बहू को उसकी डिलीवरी से पहले नंगे पांव बाबा विश्वनाथ के मंदिर में 1000 प्रदक्षिणा करवाए थे। अब चूंकि आप दो दो पोते झड़ने वाली हो, तो अब आपको नंगे पांव बाबा विश्वनाथ के मंदिर में 2000 प्रदक्षिणा करनी होगी, और वो भी भूखे पेट रहकर। सासू माँ, लोगों की बातों को छोड़िए ना, लोग तो बातें बनाते रहते, बनाने दीजिए, हम तो इसी में ही खुश हैं। वैसे भी 100 साड़ियां हम एक साथ कहाँ पहनने वाले हैं ना? हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी हमें हमारी रीति रस्में याद दिलाए। माफ कीजिए सासू माँ। कैलाशी ठाकुरायन अपना फर्ज और कर्ज कभी नहीं भूलती। जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा मुहूर्त के समय पर ही होगी। जी सासू माँ।
हे संकटा मैया, आज कोमल की गोद भराई है और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे दोनों बेटे ही देना। मैं नहीं चाहती उससे भी उसकी बेटी छीन ली जाए। मेरी गुड़िया, मुझे दे दो, मेरी बेटी। उसकी ममता को भी वही चोट पहुंची जो मेरी ममता को पहुंची थी। नमस्ते चक्रम। हाँ आइए 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 आइए। जैसे तुमने मेरी माँ हो ना, तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं है क्या? तो ये तू काहे रोने दे रही हो? इस पापा तो कभी रोने नहीं देते अपने डोरे को। बेटा तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माँ बाबा कहाँ है? वो तेरा बाबा ना है, बात कर उसे बाबा बुलाना। तू कोई नहीं है उसकी, तू अनाथ अनाथ। ये
चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, और तुम यहाँ अकेले क्यों हो बताओ? आज मेरी बेटी होती तो वो भी इतनी बड़ी हो गई होती। हेलो हेलो हेलो, यहाँ गोद भराई के फंक्शन में मेहमान आना शुरू हो गए हैं। चार बार माँ तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है, तुम हो कहाँ? मैं बस मंदिर आई थी, निकल ही रही हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। अरे जल्दी आओ। जी। बच्ची कहाँ चली गई? कितनी परेशान थी, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। संकटा मैया वापस घर भी नहीं जा सकते और पता भी नहीं है मेरे माँ बाबा कौन है। हाँ, मेरी पोटली, उससे पहचान सकती हूँ मेरे माँ बाबा कौन है। नानी ने कहा था वो मेरी पहचान है। मेरी पोटली, कहीं मेरी पोटली मंदिर के पास तो नहीं गिर गई? मेरी पोटली, और वो आंटी किधर गई? मंदिर वाले आंटी, आपकी मूर्ति लो। मंदिर वाली आंटी, मंदिर वाली आंटी। हे संकटा मैया, उस प्यारी सी बच्ची को उसके घर पहुंचा देना। ये सारा कूड़ा तुम्हें बेहतरीन डिजाइन्स लग रहे नीलो। तुम्हें क्या लगता है शुक्ला जी इन डिजाइन्स को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे? हमारे काम से ही हमारा नाम है और हम हमारे काम के साथ कभी समझौता नहीं करते। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम और डिजाइन मंगवा देते हैं, समय थोड़ा कम है। आनंद, ये बनारस है,
यहाँ 7 बार में 9 त्योहार मन जाते हैं और तुम कह रहे हो कि समय कम है। आज शाम तक वो डिजाइन देखना है हमें। ताऊजी, ताईजी। पता आपको, कल मैं रेस जीत के आया था जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। देखो कितनी चोट भी लगी है हमें। अरे ऐसे कैसे चोट लग गई आपको? थी एक पागल रोंदी लड़की, उसकी वजह से। चक्रम, जी पंच को लेकर जाओ। लल्ला ठाकुर, चलिए चलते हैं। हम दादी के लल्ला ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, घोड़े पे जाएंगे। हाँ हाँ, आप जब बड़े हो जाएंगे ना तो मालकिन से बोल के घोड़ा मंगवा देंगे। अभी तो छोटे हो तो चलना पड़ेगा ना। बैठिए, वैसे आज चना नहीं खाए थे हम। तो क्या हुआ, चलो चक्रम, चलो। बहुत बधाई हो माँ, जल्दी आप फिर से दादी बन जाएंगी। यश बेटा तुम आ गए, जीते रहो। माँ, ये मैंने अपने हाथों से होने वाले बच्चों के लिए बनाई है। शोभा। जी मालकिन। इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देना। कैलाशी, क्या चाहते हैं आप? आज हम अपनी छोटी बहू की गोद भराई में इसके हाथ के बनाए हुए कपड़े एक गर्भवती बहू को दे दें? कभी नहीं। और हमें हमारे परिवार में सिर्फ पोतों वाला सवेरा चाहिए। माँ, अगर तोहफा नहीं चाहिए था तो बेशक मना कर देती आप, लेकिन इस तरह सुधा का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं आप। आप माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। आनंद, जाने दो। दो दो पोते जन्म देगी हमारी छोटी बहू और इसकी पत्नी एक भी नहीं दे पाई। अब बंजर जमीन की इतनी तो जलन बनती है उपजाऊ जमीन से। हर युग में अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक औरत ही आई थी, और याद रखना मां, आपके अहंकार को तोड़ने के लिए इस घर में बेटी ही आएगी। गाड़ी यहाँ पर है तो पोटली और आंटी भी यही मिलेगी।